नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बलगम के बारे में, यानी बलगम क्यों बन रहा है और ये बन गया है तो इसको कैसे निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलते हुए मौसम में इसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। देखिए, जब मौसम बदलता है ना तो बलगम बनने की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। हालाँकि बलगम एक साइन है कि समथिंग इज़ गोइंग इन साइट इन योर थ्रोट, गले में जैसे कुछ जाता है तो बाहर उसको निकालने का प्रयास ही हमारा बलगम है। बलगम में क्या है? बलगम हमारा है डेड सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, और प्लस हमारे वाइट ब्लड सेल, इन दोनों की फाइट होती है और उसके डेड बॉडीज के रूप में आप बलगम को बाहर निकालते हैं, जो कि हल्के से क्रीम कलर का होता है। तो ये एक्सपोजर जो हमारा हो जाता है कभी ठंडी से कभी गर्मी से, ये भी वहाँ पे क्या करता है, आप सोचते होंगे कि सर्दी गर्मी में कौन सा हमारे बैक्टीरिया या वायरस आ गया। तो देखिए, हर एक देश में जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उनमें अडेप्टेशन हो जाता है, वो उसके लिए यूज टू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप दूसरे शहर में जाते हैं, ऐसे देश में जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट आपके क्लाइमेट से चेंज है, तो वहाँ जाने पर आपको उस हिसाब से रहना पड़ता है, उस हिसाब का खान पान चेंज हो जाता है। लेकिन हम अपने यहाँ क्या करते हैं, मौसम बदलने के साथ साथ अचानक से वो तो स्विच ओवर करता है धीरे धीरे, हम अचानक से उसको चेंज करा देते हैं। लाइक कपड़े इमीडिएट स्वेटर वगैरह हटा देना, कैप हटा देना, तो आती हुई और जाती हुई ठंड ही ज़्यादा जानलेवा होती है और गंभीर समस्याओं को कभी कभी जन्म दे देती है, जैसे आपका पैरालिसिस का है, हार्ट का है। तो यहाँ तो मैं जो बात कर रही हूँ बलगम की कर रही हूँ, तो उसी में से एक बलगम का भी है। तो जैसे ही मौसम बदलता है यहाँ पे उसके अनुरूप बैक्टीरिया भी और वायरस भी अपने एडजस्ट होने लगते हैं, और यही कारण है कि हमें इमीडिएट खांसी आना, गले में बलगम, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, जो समय के साथ साथ हम कंट्रोल कर ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में ताकत की कमी है, या अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या तो बॉडी में अंदर इंटरनल बढ़ गई, और या तो हमारे जो खान पान है इतना ज़्यादा काढ़ा, गर्म पानी, गर्म चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें लेते हैं कि उसकी वजह से हमारा बलगम जाता है सूख। और जब कोई चीज़ सूख जाएगी तो उसको निकलने में मुश्किल होगी। और दो चीज़ें हैं, अगर एक्सटर्नली आपने ज़्यादा उसको सुखा दिया तो बलगम बनेगा और निकल नहीं पाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, एकदम पूरा जाम हो जाएगा, गड़गड़ाहट होगी, और अगर ज़्यादा एज है तो हो सकता है ऑर्गन में वीकनेस की वजह से आए। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, शरीर में अंदर इतनी गर्माहट है कि उससे हमारा बलगम पिघलने लगता है, जैसे किसी भी चीज़ को आप थोड़ा गर्म कर दें तो वो मेल्ट होने लगता है वैसे। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको बलगम बनेगा खूब और निकलेगा खूब, लेकिन चूँकि ये रुका हुआ है अंदर, तो जब भी निकलेगा ना तो उसमें दुर्गंध होती है, और दुर्गंधित बलगम कई गंभीर समस्याओं को जन्म देती है। तो अगर आप भी इस बलगम की परेशानी से दो चार हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। यहाँ दो कंडीशन है, एक कंडीशन होगी कि आपको बलगम बन रहा है खांसी के साथ हो या बिना खांसी के। कभी कभी क्या होता है कि खांसी उतनी नहीं आती है, बलगम आता है, बलगम निकालने मुश्किल होती है। हालांकि जब आपको निकालने में परेशानी तो उस समय थोड़ी सी खांसी आ जाती है। तो चाहे ये बलगम आपके खांसी के साथ हो या बिना खांसी के हो, दोनों ही कंडीशन में हमें बलगम को देखना है कि बलगम आपका पानी जैसा निकल रहा है, मतलब फ्री फ्लोइंग है, बन भी रहा है निकल भी रहा है, या बन तो रहा है लेकिन वो अंदर रुक रहा है, निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों के पॉइंट फिर अलग अलग होंगे। अगर आपके बलगम बन रहा है, निकल भी रहा है, लेकिन वो दुर्गंधित है, उसमें से स्मेल आ रही है, नॉर्मली आप देखेंगे तो बलगम से स्मेल नहीं आती, तो अगर इसमें ला रही है तो इसके लिए आपको लगाना है एक पॉइंट, और वो है कंसेप्शन वेसल का 5 नंबर। ये कंसेप्शन वेसल का 5 नंबर क्या करेगा, ये तो कंसेप्शन वेसल का है, खांसी तो लंग्स के हमारे ट्रैक से आ रही है। तो जो CV5 है ये हमारे ट्रिपल वार्मर का फ्रंट शू पॉइंट है, और ट्रिपल वार्मर क्या करता है, यानी गर्माहट, तो ये गर्मी वाले संबंधित जो मेरिडियन है उसका पॉइंट है, अलार्म पॉइंट। तो जब आप CV5 को सीरेट कर देते हैं,
यानी इसकी एनर्जी को कम कर देते हैं तो इसकी गर्माहट कम हो गई, तो जो पतला होकर निकल रहा है दुर्गंधित मात्रा में बलगम, उसमें जो सड़न वगैरह हो रही वो नहीं होने पाएगी। तो आपको सीरेट करने के लिए क्या करना है, दो ऑप्शन हमेशा की तरह, या तो आप इसमें लगाएंगे येलो कलर का मैग्नेट जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं। जब भी पीले मैग्नेट की बात करती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं स्किन में टच करेगा कहाँ करेगा, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो भी चीज़ें पिक्चर में दिख रही हैं एज इट इज़ आपको लगा देना है। आपको स्किन में क्या टच होना है नहीं होना है, इसके लिए हमारी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी हैं, आप उनको जाके एक बार विजिट कर लीजिए, ठीक है। जो दिख रहा है जैसा दिख रहा है वैसे ही लगा दीजिए। तो आपको या तो येलो मैग्नेट लगाना है, और अगर आप कलर लगाना चाहें तो कलर में लगाएंगे हम ब्लैक कलर। ये हुई हमारे पहले स्टेज की। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि हमारे बलगम बनता है लेकिन निकलता नहीं है, अवरुद्ध हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट कर गया। अब इसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो क्या करेंगे, आपको एक्सपेक्टोरेशन की दवाएं दे देंगे, कफ सिरप दे देंगे कि उसको आप पिए और उससे वो बाहर निकल जाए। तो ऐसे ही एक्सपेक्टोरेंट आपके एक्यूप्रेशर में भी है, और वो क्या है, स्टमक का 40 नंबर। आप सोच रहे होंगे खांसी है लंग से, कभी हम सीवी का बताते कभी हम स्टमक का बताते, तो इन सब के अपने रिलेशन होते हैं। स्टमक 40 के पास ये गुण है कि वो छाती में जमा हुआ बलगम या कफ को बाहर निकाल देता है, लेकिन निकाल नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि उसमें ताकत की कमी है। तो आपको क्या करना है, स्टमक 40 को टोन करना है। टोन माने बढ़ाना है एनर्जी उसकी। तो बढ़ाने के लिए हम कौन सा मैग्नेट यूज़ करते हैं, वाइट कलर का। कैसे लगाना है, जैसा पिक्चर में दिख रहा है। तो या तो आप इसमें लगा देंगे वाइट, और या तो अगर कलर लगाना है तो इसमें रेड कलर लगा दें। नॉर्मल स्केच पेन का कलर होता है, और सिंपल सेम पॉइंट पर आपको लगा देना है कलर। दोनों ही एक जैसे ही प्रभावशाली हैं, और दोनों वैसे ही काम करते हैं। तो चाहे कलर लगाएं चाहे वो आप लगाएं। अगर एलर्जी का अस्थमा है, कहीं पॉलन ग्रेन वगैरह है, क्योंकि मार्च अप्रैल का टाइम में वो भी आएगा, तो इसकी वजह से भी अगर आपको खांसी आ रही, बलगम जमा हुआ है निकल नहीं रहा है, उसमें भी ये सेम पॉइंट आपके काम करेगा। तो आप देख लीजिए कि आपकी खांसी कौन सी है, जिसमें बलगम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो आप उसके आधार पर करेंगे। तो बलगम तो ठीक होगा ही होगा, साथ में खांसी आपको बोनस में ठीक हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आई हो ज़रूर इसको ट्राई करिए, एक बार करना चाहिए, करने में कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। अच्छा, ये तो है ट्रीटमेंट की बात। इसके अलावा आपसे मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, और वो ये है कि जो खांसी है या बलगम है, कई गंभीर बीमारियों के कभी कभी संकेत के रूप में भी आती है। तो अगर इस सिंगल पॉइंट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ गंभीर हो रहा होगा। तो आप चाहे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, सामने यहाँ पे जो नंबर चल रहा है इसमें आप व्हाट्सएप कर दें, इसके बाद फिर मैं आपको टाइम दूंगी, आपसे बात करूंगी और समझ करके फिर आपको ट्रीट करने की कोशिश करूंगी। और आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ ही आप कमेंट करिए कि आपने ये पॉइंट लगाया तो आपको कितना आराम मिला, कितने दिनों में मिला, कितना इफ़ेक्टिव है, या बस ऐसे ही है। तो आपको कमेंट करना है, कमेंट करने के साथ ही अपने साथियों को भी इस विधा के बारे में जानकारी हो इसके लिए इसको शेयर करते रहिए, शेयर करिए। और अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, और आपको लग रहा है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, सिंपल कलर आपके घरों में तो होता ही है, स्केच पेन उठाया और लगा दिया, ट्राई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं सही है इसे, तो अगर हमें इसकी नॉलेज हो जाए तो क्या बात है। तो इस नॉलेज के लिए क्या करना है, घर बैठे एक क्लिक कर दीजिए, कैसे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली, जैसे व्हाट्सएप मैसेज जाता है ऐसे इसके भी मैसेज आपके पास जाएंगे, और आप इमीडिएट उस वीडियो को देख करके उससे लाभ उठा पाएंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलूंगी किसी और भी ऐसे ही विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।